अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद नवीद बलोच और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं बलोच की आवाज़ 99। आज हम एक ऐसी बहन के पास मौजूद हैं जो कि आप उनकी स्टोरी जान के आप काफ़ी हैरान रह जाएंगे कि वो अपनी ज़िंदगी में कैसे ज़िंदगी गुजार रही है, क्योंकि वो तो एक कार ड्राइवर भी है और ख़ुद की उसकी अपनी कार भी है। वो मतलब कार वगैरह ड्राइव भी करती है, तो मतलब अपनी सवारियों के लिए उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है कहीं भी, मतलब जिस तरह कहते हैं कि किराए पे दे दी या वो कर दी, वो खुद ही गाड़ी ड्राइव करती है। अगर किसी ने कोई लाहौर या कराची जिधर भी जाना हो, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, ये आपको ले जाएगी। क्योंकि एक तो और बात है कि ये कहते हैं मेरे माँ बाप ने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया, मैं उनकी एक इकलौती बेटी हूँ, बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटा, उनके माँ बाप ने कहा कि मुझे बेटा दिया हुआ है। तो उनसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। बलोच की आवाज़ 99, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन मिल सकें। क्या नाम है आपका? किरण चौधरी। जी किरण चौधरी से बात करें, ये आप कार ड्राइव करती हैं, कार आपकी अपनी है? जी मेरी खुद की है। अच्छा, मतलब आप कहाँ कहाँ तक सफ़र करती हैं कार पे? जी मैं लाहौर तक चले जाती हूँ, ये जो छोटे छोटे शहर है ना, लाहौर से पीछे रहती हूँ। अच्छा। आप गिर जाते हैं, मतलब आप जब भी कोई कहता है तो आप उसी टाइम चली जाती है, जो मतलब होता है? जी वो पहले मुझे फ़ोन कर देते हैं ना कि हमें इस वक्त गाड़ी चाहिए, तो रबता नंबर मेरी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो बुला लेते हैं। तो कभी आपके पास कोई ऐसा मसला नहीं बना जो आपको कोई तंग वगैरह करता हो? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो नहीं बना, बाकी आगे का कुछ पता नहीं है। मतलब आपका अच्छा, मतलब सफ़र काफ़ी अच्छा गुजर जाता होगा गप्पे वगैरह लगाती क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह। आप शादीशुदा हैं? जी नहीं मेरी शादी नहीं। अच्छा, आप शादीशुदा नहीं हैं? नहीं। तो आपको कोई कार में कोई ऐसा लड़का मिला हो जिससे मोहब्बत हो गई हो या कुछ नहीं अभी ऐसा? नहीं, ज़्यादातर मैं फैमिलीज को मतलब लेके जाती हूँ, लड़कों वगैरह को। मैं कभी कोई फैमिली से नहीं कहा बेटा आप अकेली होती है शादी कर लें मेरा बेटा, या कोई ऐसा किसी ने? नहीं, वो तो सिंपल सी बात है, फैमिली की बातें होती रहती हैं, पर मैं भी एक लड़की हूँ तो ऐसी वजह बात आज तक मुझे किसी ने नहीं की है। अच्छा। हाँ। मतलब जब आप मोहल्ले में आती हैं तो आपको तंग वगैरह तो करते होंगे कि लड़की गाड़ी चला रही है, ये देखो वो, ऐसा होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता अभी तक तो, और ना ही कुछ हुआ है, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। अच्छा, तो मतलब ये काफ़ी अच्छी तरीके से आप कार चलाती हैं, कोई वाकया वगैरह तो नहीं पेश आया मतलब किसी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो नहीं आया, बाकी आगे पता नहीं। अच्छा, मतलब कार आपने किसी से सीखी है या मतलब किसी सहेली या दोस्त किसी ने सिखाई वगैरह? नहीं, मेरा एक उस्ताद था, उसने मुझे ये गाड़ी चलाना सिखाई थी। तो मैंने ये भी देखा है कि आपके वालिद साहब भी आज आपके साथ थे, गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। हाँ, वो पहले ऐसा था ना कि मेरे वालद साथ जो वो गाड़ी चलाते थे, तो कुछ मैंने उनसे सीखी है, कुछ मेरे एक तो उस्ताद था, मैंने उनसे सीखी है। अच्छा, मतलब पहले आपके वालद साहब भी यही गाड़ी हाँ, चलाते थे? यही ड्राइवर। हाँ। अच्छा, आप ये बताएं, आप अपने वालद साहब का नंबर दे देती गाड़ी पे, पर आपने अपना नंबर क्यों गाड़ी पे दिया हुआ है? इतना फिर आपने अपना नंबर दिया हुआ है गाड़ी? जी वो मैंने अपना दिया था, अब्बू का जो मोबाइल था वो बंद हो गया था। ठीक। अच्छा। है, तो मैंने फिर अपना नंबर दे दिया। आपको कोई तंग तो करता होगा काफ़ी सर? नहीं, जो तंग करते हैं मैं उसे फौरी ब्लॉक कर देती हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब कॉलें वगैरह आती होंगी? आती हैं, बहुत सी आती हैं। कभी इस तरह कोई फैक्ट नहीं है जी हमें गाड़ी चाहिए, हम फिलहाल जगह पर जाते हैं, या इस तरह का कोई वाक्य नहीं हुआ? नहीं, पहले मैं कन्फर्म करती हूँ कि कौन सी जगह है वो, जिनके 100 बातें होती हैं, डीलिंग वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद वहाँ पे मैं जाती हूँ। अच्छा, कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? कमेंट्स कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।